दोस्तों, फाइनल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, औरतें और लड़कियां दिल से नहीं दिमाग से पढ़ाई जाती है। कैसे 30% लड़के बाकी के 70% औरतों को और लड़कियों को पटा लेते हैं, उन तरीकों को जानने के लिए, औरतों और लड़कियों के व्यवहार को और भी ज़्यादा गहराई से समझने के लिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल पर विजिट करें। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है लड़कियों और औरतों को कैसे लड़के पसंद है, या आप सिर्फ अंधेरे में ही तीर चला रहे हो? अगर औरत को चाहते हो पटाना तो आपको भी ये जानना पड़ेगा कि औरतों को कैसे लड़के पसंद आते हैं, और अगर ये आप जान जाते हो तो एक नहीं हज़ार औरतें आपके पीछे पड़ जाएगी। अगर आपको ये पता चल जाए कि औरतों को कैसे लड़के पसंद आते हैं तो आप एक नहीं बहुत सारे औरतों को अपना पार्टनर बना सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे चार तरह के लड़कों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे लड़कियां और औरतें बहुत ज़्यादा पसंद करती है, उन्हें बहुत ज़्यादा चाहती है और उन्हीं को अपना बॉयफ्रेंड भी बनाती है। तो आप भी ये देख लेना कि आपके अंदर भी ये बातें हैं या नहीं। अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपसे भी कोई भी औरत या लड़की बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाएगी। और अगर आप में ये सारी बातें नहीं है तो अपने आप में चेंज कर लो, जिससे आपसे बहुत ही जल्दी कोई ना कोई औरत या लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। नंबर एक, बुरे लड़के। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि लड़कियों और औरतों को बुरे लड़के क्यों पसंद आते हैं। सबसे पहली बात, अगर किसी औरत के साथ या किसी लड़की के साथ कोई मैटर होता है तो उसे बुरे लड़के ही सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई औरत को या लड़की को कोई छेड़ता है या बदतमीजी करता है तो वो अगर अच्छे लड़के यानी कि गुड बॉय से कहेगी कि कोई मुझे छेड़ रहा है तो वो शरीफ लड़का कहेगा कि वो सब भूल जाओ, उन सबको इग्नोर करो, उनका तो यही काम है। पर वहीं पर कोई बुरा लड़का कहेगा कि अभी देखता हूँ उसको, बहुत चर्बी चढ़ी है, उसको अभी उतार के आता हूँ। तो दोस्तों, सिंपली कोई भी औरत शरीफ लड़के की तरफ अट्रैक्ट ना होकर बुरे लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने वाली है। दूसरी चीज़ है, शरीफ लड़के अपने दिल की बात को बोलने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा देते हैं, पर एक बुरा लड़का सही मौके पर सही वक्त पर अपने दिल की बात बिना किसी हिचकिचाहट के बोल देते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फिडेंट के चलते शरीफ लड़के जोर की बात खा जाते हैं। तीसरी चीज़, शरीफ लड़कों का एक फिक्स दायरा होता है, वो कहीं भी घूम नहीं सकते, यानी कि वो ज़्यादा घूमते फिरते नहीं है। लेकिन जो बुरे लड़के हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, जिसके चलते औरतें और लड़कियां उन्हें हमेशा मिलती रहती है और औरतों और लड़कियों का उन पर दिल आ जाता है। दोस्तों, किसी बुरे लड़के को कोई लड़की या औरत पसंद आ जाती है तो वो उनसे बातें करते हैं, उन्हें प्रपोज कर देते हैं, वो कभी नहीं सोचते हैं कि आगे क्या होगा। नंबर दो, जिन लड़कों के दिल में फीलिंग्स नहीं आती। दोस्तों, जब कोई लड़का किसी औरत से मिलता है तो उन दोनों में बातचीत होती है और धीरे धीरे जो टाइम बीतने लगता है तो किसी ना किसी के मन में फीलिंग्स आ जाती है, चाहे वो लड़के में हो या औरत में हो। यहाँ पर अगर लड़का ये शो करता है कि उसके अंदर औरत के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है उस औरत के लिए, तो यहाँ पर औरत में फीलिंग्स आ जाती है उस लड़के के लिए। औरत को लगता है कि मैं उसके प्यार में पड़ चुकी हूँ, और औरतों को ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो उन्हें बिल्कुल भाव नहीं देते हैं। मतलब कि जो लड़का अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखता है, औरतों के सामने जाहिर नहीं होने देता। नंबर तीन, पैसे वाले लड़के। दोस्तों, हमेशा हमको सुनने को मिलता है कि पैसा कमाओ, पैसे के पीछे भागो, लड़की और औरत तुम्हारे पीछे भागेगी। ये बात सही है। दोस्तों, बहुत हद तक पैसा काम करता है, ज़्यादातर औरतें पैसे पर भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। दोस्तों, ये बात तो सही है ना कि सुख सुविधा सबको चाहिए होता है, हर कोई चाहता है कि उसके भी जीवन में पैसों की कमी ना हो। आप लोग भी किसी ऐसे लड़की को ही या ऐसी औरत को ही पसंद करोगे जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही हो, किसी ऐसे लड़की को या औरत को नहीं पसंद करोगे जो काली दिखती है, जिसकी शक्ल बहुत अच्छी ना हो और जो बुरी दिखती हो। वैसे ही दोस्तों, ज़्यादातर लड़कियाँ और औरतें भी अमीर और पैसे वाले लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती है। लेकिन दोस्तों, हर लड़की या औरत अमीर लड़कों के पीछे नहीं भागती, कुछ लड़कियां और औरतें प्यार के पीछे भी भागती हैं। नंबर चार, हैंडसम लड़के। दोस्तों, औरतों की पसंद की अगर बात करें तो हैंडसम लड़कों को कैसे भूल सकते हैं। हैंडसम लड़के जो होते हैं ना, वो एवरग्रीन होते हैं, मतलब वो हमेशा औरतों को पसंद आते रहते हैं। हैंडसम लड़कों को देखते ही ज़्यादातर औरतों का उन पर दिल आ जाता है। कोई भी औरत ज़्यादा खूबसूरत है तो वो अपने जैसा या अपने से ज़्यादा हैंडसम लड़का ही चाहता है। तो अगर आप हैंडसम हो
तो एक नहीं हज़ारों औरतें आपको पसंद करने लगेगी। तो दोस्तों ये थे वो चार प्रकार के लड़के जिन्हें लड़कियाँ और ख़ास करके औरतें बहुत ज़्यादा पसंद करती है।